ये चीज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, बहुत ज्यादा। कॉस एक्स कॉस फाइव बाय थ्री, 5/3 डिग्रीज में क्या होता है 60 डिग्री। ऐसा फॉर्मेट दिखते 60 डिग्री प्लस एक्स, दिस 1/4 कॉस 3 एक्स। यानी कि ये ऐसे हम आइडेंटिटी तो याद रखेंगे लेकिन इसको प्रूव भी करेंगे। मतलब एग्जाम में कल को कोई क्वेश्चन आ जाए, बहुत बार आता है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने इसको बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखा है, IIT से लेके एक IP मैट का पेपर होता है, ठीक है, उसमें लेके और भी कई NDA के एग्जाम्स बहुत जगह पे आता है ये वाली टाइप। तो आपको ऐसे शॉर्टकट भी याद होना चाहिए आइडेंटिटी। मतलब कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया cos 20 डिग्री, 60 - x मतलब cos 40 डिग्री, और 60 + x cos 80 डिग्री। अभी मैं ये डिराइव भी करूंगा आपके सामने, एक बार हम समझ रहे हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। तो 1/4 cos x की वैल्यू क्या बेटा 20 डिग्री, 3 to 20 क्या हुआ? अब जल्दी बताओ, cos 60 तो हमें 10th क्लास से याद है, क्या होता है 1/2 है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1/8। कल को वो जानबूझ के यही क्वेश्चन देगा, बार बार यही आ रहे हैं, वो जानबूझ के वेरिएशन क्या कर देगा बीच में, जानबूझ के कुछ भी घुसा देगा cos 45 साथ में। आपने अपना पैटर्न पकड़ लेना, ये इसका आंसर तो अभी अभी हमने निकाला 1/4 cos 60 डिग्री, क्या होता है cos 60, 1/2, तो cos 45 एक्स्ट्रा उसने दे दिया, समझ गए? तो वो मैं अपना 1/√2 साथ में लगा दूंगा, समझ रहे बात? तो ये क्या आया बच्चों 1/2। अगर आप इसको रेशनलाइज करके आंसर दिया हो डिनोमिनेटर को, तो √2 से मल्टीप्लाई, √2/60। तो कुछ भी चेंजेस वेरिएशन कर देगा इसी चीज के अंदर, जानबूझ के cos 45 डाल दिया, या जो जानबूझ के cos 36 डाल दिया, वो भी आपने वैल्यू याद रखी है cos 9 cos 18 आइडेंटिटी सारी वैल्यू, वो वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, cos 75 भी दे सकता है जानबूझ के एक्स्ट्रा। मतलब पैटर्न तो बन रहा होगा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर, वो आपको वैल्यू याद होगी, बाकी पे आप क्या लगा दोगे 1/4। कौन सा पैटर्न है? cos x cos 60 - x, और 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं रेडियंस में, π/3। तो ये पैटर्न याद रखोगे, मैं इसको प्रूव करा देता हूं। हाँ बच्चों आओ प्रूव करते हैं कि ये कैसे होता है भाई, कैसे हुआ ये, कैसे हुआ ये क्वेश्चन, कैसे हुआ cos x। आपको फॉर्मूला याद है cos A + B cos A - B, cos² A - sin² B, वेरी गुड। क्या होता है बच्चों cos² A cos x तो बाहर पढ़ा ही है हमारा, इसको बाहर रख लो, cos² A cos² π/3 - sin² B। ठीक है बेटा, यहाँ पे समझ आया? cos 60 डिग्री क्या होता है, अभी बताया था 1/2। cos square 60 डिग्री क्या होता है 1/2 का स्क्वायर 1/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 - cos² x लिख दे, तो कोई परेशानी तो नहीं है किसी बच्चे को? ठीक है, 1 - cos² x। अब ध्यान से देखो, 1/4 - 1 + cos² x चार बार, और 1/4 - 1 क्या होता है -3/4, क्या होता है बच्चों? एलसीएम लेने की जरूरत तो नहीं लग रही ना,
कॉस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा एक चीज और भी करो, कॉस एक्स को तो अंदर मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी बनानी है ना। कॉस 3x की आइडेंटिटी क्या होती है हार्दिक? कॉस 3x की आइडेंटिटी 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, वो आइडेंटिटी अभी मैं लाके दिखाता हूँ। तो एक चीज और करो, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 4 से डिवाइड कर दूं तो ये फर्क पड़ेगा। अब मैं इस 1/4 को तो बाहर रहने देता हूँ क्योंकि मेरे प्रूफ में बाहर 1/4 आई है, मैंने जानबूझ के 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड किया क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना था उसमें बाहर 4 था, तो 1/4 को बाहर रहने दो और अंदर ही अंदर 4 cos x मल्टीप्लाई कर दो। जब ये मल्टीप्लाई होगा ये चीज 4 cos x, ध्यान रखना 4 से 4 कट हो गया तो -3 cos x, समझ रहे हो? अब ये 4 cos x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ +4 cos3x, ठीक है? आप बताओ 4 cos3x -3 cos x किसकी आइडेंटिटी होती है? तो फाइनल फाइनली क्या प्रूव हो गया हमारा यहां से, 1/4 cos3x। अब आपको ऐसे आइडेंटिटी याद रखना है, और इसमें बहुत सारी वेरिएशन आएंगी इस क्वेश्चन में, बहुत बार पूछा जाता है। तो मैंने अपनी जिंदगी में इस क्वेश्चन को बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अदल बदल के करते हुए पूछा, याद रखेंगे अभी, शाबाश।